नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज के खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवाओं ने किया कांग्रेस प्रवेश। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर किया स्वागत। भिलाई स्टील प्लांट में एक कर्मचारी का शव मिलने से मचा हड़कंप। भट्टी पुलिस मर्ग कायम कर मामले की कर रही विवेचना। नगरपालिक निगम रिसाली के सभी 40 वार्डों में लगेगी जन चौपाल। लोगों की शिकायतों समस्याओं का मौके पर किया जाएगा निराकरण। चरौदा जीआरपी के जवानों ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से दो देसी कट्टा और जिंदा कारतूस हुए बरामद। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश करने वाले का सिलसिला निरंतर जारी है। इसी कड़ी में विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में सैकड़ों लोगों द्वारा कांग्रेस प्रवेश किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों और कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस प्रवेश करने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। शुक्रवार को छावनी क्षेत्र के युवाओं और बुजुर्गों द्वारा कांग्रेस में प्रवेश किया गया था। इसी तरह शनिवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 स्थित निवास में अनेकों लोगों द्वारा कांग्रेस प्रवेश किया गया, जिन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर विधायक देवेंद्र यादव और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रवेश करने वाले लोगों ने कहा कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को दोबारा भिलाई नगर का विधायक बनाने वह संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों के हित में जो कार्य किए हैं वो अब तक किसी सरकार द्वारा नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों के लोगों के हितों का ध्यान रखा है। वहीं विधायक देवेंद्र यादव भी विधायक बनने के पूर्व और उपरांत से ही भिलाई नगर के लोगों की पूरे मनोभाव से सेवा कर रहे हैं। विधायक देवेंद्र यादव द्वारा सभी समाज के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले समय में भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से अन्य लोग भी काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रवेश करेंगे। जैसे स्कूल में CBSE बोर्ड हमारे कुर्सी पार में इससे पहले कभी नहीं था, जिस वजह से कुर्सी पार के लोगों को सेक्टर जाना पड़ता था। तो जो ह्यूज डिफरेंस था सेक्टर 1 से सेक्टर 10 और सेक्टर 11 जिसको कुर्सी पार बोला जाता है, वो जो ह्यूज डिफरेंस था सर ने वो लाइन को एकदम मिटा दिया है। तो अभी आत्मानंद स्कूल या CBSE बोर्ड है, जिस वजह से हम लोग भी प्राउड कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है वो इजिली पढ़ेगा, इजिली एक्सेस है, घर के पास से पैदल जा सकते हैं। अब यहाँ पे कॉलेज है जो नवीन कॉलेज वगैरह जो बन रहे हैं वहाँ पे, तो इजिली हम लोग, मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएट हुआ हूँ वहाँ से मैं, ठीक है। तो हम लोग को जो इजिली एक्सेस मिल रहा है वो सर के द्वारा हुआ है कि कॉलेज भी मिल रहा है वहाँ पे, बच्चों के लिए जो प्ले ग्राउंड है बहुत 2-3 ग्राउंड अभी सर ने बनाया हुआ है। तो जो जिस वजह से हम लोग को जयंती स्टेडियम जाना पड़ता था प्रैक्टिस करने के लिए, अभी हमारे घर के पास सब कुछ फैसिलिटी सर ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो स्विमिंग पूल भी बन रहा है, मतलब सर, मतलब ऐसे कि 10 से 20 काम इजिली मैं गिना सकता हूँ जो जिसके सर के काम से हम लोग प्रभावित होकर मिले। सबके पूरे टीम जो है कुर्सी पार के युवा जो है 50 लोग आज हमने ओथ लिया है कि अब से हम लोग जो भी है कांग्रेस के लिए काम करेंगे। नहीं सर, मेरा 25 साल चल रहा है, मैंने मतलब 21-22 के उम्र में मैं स्टार्ट किया हुआ था और तब से कांग्रेस है 5 साल। बिल्कुल नहीं होगा सर, मैं सारी चीज़ें मैनेज करूँ। अभी फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे है कि मैं हफ्ते में 2 दिन मैनेज कर लेता हूँ और बाकी मेरी टीम है जो मेरे नीचे सब काम करेंगे। लोगों द्वारा निरंतर कांग्रेस प्रवेश किए जाने को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, लगभग 50 युवा आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं। कुर्सी पार, दुर्गा मंदिर वार्ड, छावनी से सेक्टर 9 से ये युवा आए हैं। मैं सभी लोगों का कांग्रेस परिवार में स्वागत करता हूं। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कुशल मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर जो युवाओं को मौका हमारी पार्टी, हमारी सरकार देती है, उससे ऊर्जावान्वित होकर आज ये सब युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से इनके आने से हमें और क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। देखिए, सब हमारे युवा साथी है जो पहले और दलों के लिए भी काम कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले जीवन के लिए ये समझा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके साथ वो आने वाले समय में क्षेत्र के लिए काम कर सकते हैं। और कुर्सी पार में जो बदलाव हुआ है, जो काम हुआ है, वो सभी से युवा प्रभावित हैं और हम सब लोग इन सभी विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का अपार प्रेम और समर्थन हमें मिल रहा है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी युवा कार्यकर्ता आज हमारे साथ प्रवेश किए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। सब लोग कांग्रेस की नीति रीति और कांग्रेस के विचारों से प्रभावित है। देखिए, ऐसा है कि ये बात तो सही है कि भिलाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 सालों में लगातार नीचे उसके जो लीडर्स है उसकी लीडरशिप कमज़ोर हुई है।
उसका कारण ये है कि उसका जनता से संवाद नहीं है, लोगों से बातचीत नहीं है और एक बहुत ही अहंकारी रूप है जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम नहीं कर पा रहे। लेकिन हम लोग मिलकर अच्छा करेंगे, शहर के लिए अच्छा करेंगे। बहरहाल विभिन्न समाज से जुड़े लोगों द्वारा कांग्रेस प्रवेश करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हर्ष है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट में एक बीएसपी कर्मचारी का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल भट्टी पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना कर रही है। दरअसल सुबह जब कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे तो मृत हालत में कर्मचारी को देखने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद मृतक को मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृत कर्मचारी का शव मर्चुरी में भिजवा दिया गया है। फिलहाल परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि फाउंड्री एंड पैटर्न शॉप में 55 साल के मास्टर ऑपरेटर राजेश उइके नाइट शिफ्ट में कार्य कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह उनका शव नल के पास पड़ा मिला, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई है। फिलहाल अभी यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि राजेश की मौत कैसे हुई। फिलहाल पुलिस की विवेचना जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीडियो रिपोर्ट। नगर पालिक निगम रेसाली के महापौर शशि सिन्हा द्वारा निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में जन चौपाल लगाए जाने के अभियान की शुरुआत की गई है। जन चौपाल का शुभारंभ वार्ड क्रमांक 1 तालपुरी के ए ब्लॉक के क्लब हाउस से हुआ, जिसमें महापौर सहित पीसीसी के महामंत्री जितेंद्र साहू उपस्थित हुए। नगर पालिक निगम रिसाली के वार्डों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण को लेकर महापौर शशि सिन्हा ने जन चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें लोगों से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से किया जा रहा है। जन चौपाल का शुभारंभ रिसाली नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 तालपुरी ए ब्लॉक से हुआ, जिसमें मुख्य रूप से महापौर शशि सिन्हा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, नगर पालिक निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन, ए ब्लॉक के नागरिक और निगम के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत स्थानीय रहवासियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। जन चौपाल का शुभारंभ होते ही ए ब्लॉक के रहवासियों द्वारा अपनी मूलभूत समस्याओं से महापौर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू को अवगत कराया गया। अतिथियों ने सभी की शिकायतों और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना। सभी समस्याओं और शिकायतों को निगम अधिकारियों द्वारा नोट किया गया। अतिथियों ने शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन ए ब्लॉक के रहवासियों को दिया। समस्याओं में प्रमुख रूप से क्षेत्र में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या, गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, पेयजल आदि रहीं। तालपुरी क्षेत्र में सड़क निर्माण सहित किए गए अन्य विकास कार्यों के लिए उपस्थित लोगों ने महापौर शशि सिन्हा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू का आभार व्यक्त किया। जन चौपाल में अतिथियों को मिली समस्याओं के निराकरण के लिए पीसीसी के महामंत्री ने शीघ्र कार्रवाई करने लोगों को आश्वस्त किया। जन चौपाल के दौरान ए ब्लॉक के रहवासियों ने कांग्रेस नेता अमनदीप सोढ़ी का आभार जताया और आए हुए अतिथियों को बताया कि अमनदीप सोढ़ी द्वारा निरंतर उनके संपर्क में रहकर स्थानीय समस्याओं से निगम प्रशासन को अवगत कराया जाता है, जिसके लिए उपस्थित जनों ने अमनदीप सोढ़ी को भी धन्यवाद दिया। जन चौपाल की जानकारी महापौर शशि सिन्हा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने दी। जन चौपाल हमारा सबका उद्देश्य था कि जनता की जो समस्या है उसे रूबरू हो और जो समस्या सरकार निर्धारण कर सकते हैं, हमारे कर्मचारी, महापौर, सभापति, आदरणीय कृपया सब ने मिलकर जनता के बीच में हम सब चौपाल लगाए हैं और जनता की जो समस्याएं हैं उसको निराकरण करने के लिए जनता के जो बात है उसको सुने हैं, समस्या तत्काल निराकरण हो सकता है उसको निराकरण करने की कोशिश भी की है। और मैं आदरणीय गृहमंत्री आवास साहू जी को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी बातों को सुनते हैं और हम उनके बातों को सुनते हैं और हम जो कार्य है हम साथ करते हैं। निश्चित तौर पे सरकार कांग्रेस की सरकार बनी, 15 साल पहले बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस सरकार बनने के बाद आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी के और जनता के आशीर्वाद से नया नगर निगम बनने के बाद 2 साल कोरोना काल की भी परिस्थितियां थी,
उसके बाद जितने विकास के काम हुए उसके बाद भी सरकार की मंशा है और कांग्रेस सरकार सत्ता में रहे या बाहर भी रहे, आम जनता की जो बातें हैं उसको लेकर के काम करती है। तो आज भी जन चौपाल हमारे महापौर जी, प्रशासन और सभापति जी के द्वारा ये रखा गया, उसका मूल उद्देश्य है कि क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, बड़ी समस्याएं, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो, महाविद्यालय हो या फिर हमारे अस्पताल हो, ऐसे बड़े बड़े काम तो हुए पर लेकिन हो सकता है कि हम जनता के बीच में जा करके हमारी और छोटी छोटी समस्याएं, छोटी बड़ी जो भी समस्याएं हैं, तो चुनाव के पहले हम लोग एक बार और सर्वे का मतलब सरकार जनता के बीच जाकर जानना चाहती है, उनके साथ रूप रूप होना चाहती है। इस उद्देश्य से जन चौपाल सरकार की योजनाओं को आम जनता को बताना और आम जनता की बातें प्रशासन को, निगम प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है और जनता और सरकार को एक साथ जोड़ने का एक प्रयास जन चौपाल के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि आज वार्ड नंबर 1 से शुरू हुआ है और अनवरत हर दिन 5 से 6 बजे तक 40 वार्ड में ये कार्यक्रम चलेगी और जनता की समस्याओं से हम रूबरू होंगे और जनता की मूलभूत समस्याओं को आवश्यकता अनुसार दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। जन चौपाल में मुख्य रूप से नगर पालिक निगम रिसाली के सभापति केशव बंछोर, ए ब्लॉक एसोसिएशन के अध्यक्ष AK तिवारी, सचिव CP शर्मा, उपाध्यक्ष कुलकर्णी, पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ए ब्लॉक के रहवासी एवं निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जन चौपाल का आयोजन निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में किया जाएगा। लोगों की शिकायतों, समस्याओं को सूचीबद्ध कर शीघ्र कार्रवाई करने की बातें महापौर और PCC के महामंत्री जितेंद्र साहू ने दी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग जिले में लगातार पिछले कुछ दिनों से रेल के माध्यम से गांजे की तस्करी की जा रही है। गांजा तस्कर उड़ीसा के बलांगीर और मलखानगिरी से गांजा लाकर सप्लाई कर रहे हैं। दुर्ग GRP पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गांजा तस्कर उड़ीसा से बलांगीर और मलखानगिरी से गांजा लाकर दुर्ग में सप्लाई किया करते थे। मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लोग बैग में लगभग 5 किलो गांजा भरकर पुरी से दुर्ग आने वाली ट्रेन में बैठे हैं, जिसके बाद दुर्ग GRP पुलिस जाल बिछाकर दोनों ही गांजा तस्करों से पूछताछ करने लगी। तो पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो फिर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोनों ही आरोपियों के पास से 4 किलो 60 ग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों के पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है कि गांजे के साथ साथ देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस आरोपियों के पास से कैसे आया, आरोपियों ने कट्टा और कारतूस कहां से खरीदा, इस पर पूरी विवेचना की जा रही है। 7/2023 को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि HK BMY चरोदा में दो युवक अपने पास पिट्ठू बैग में रखे मादक पदार्थ गांजा रखे हुए हैं, जिसकी सूचना पर हमारा स्टाफ क्राइम एंटी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए, जिसे घेराबंदी करके पकड़ा गया। तलाशी लेने पर एक व्यक्ति के पास 2 किलो गांजा तथा 1 कट्टा 2 कारतूस, एक व्यक्ति के पास में 2 किलो गांजा, 1 कट्टा 1 कारतूस प्राप्त हुआ, जो मौके की पूर्ण कार्रवाई कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जुडिशियल रिमांड पर जल्द दाखिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हत्या के एक मामले में आज दुर्ग जिला एवं सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त नीतिश बंजारे पिता ओम प्रकाश बंजारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना पुरानी भिलाई थाना के अंतर्गत सरकारी सेवा समिति भवन ग्राम नंदौरी में 17 जून 2021 को हुए एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें अभियुक्त द्वारा समिति के भवन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर चौकीदार हरिशंकर वर्मा की सब्बल मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही भवन के एक ऑफिस में रखे हुए लगभग 8 लाख की चोरी भी की गई है। इस घटना से संबंधित परिस्थिति जन्य साक्ष्य की श्रृंखला के आधार पर अभियुक्त को धारा 302 एवं धारा 460 भारतीय दंड विधान के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। ये सहकारी समिति नंदोरी में हरिशंकर वर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी। 17/6/2021 की यह घटना है। आरोपी नीतीश बंजारे सोसाइटी में रखे राशि को चोरी करने की नियत से वहां गया था। हरिशंकर वर्मा चौकीदार के द्वारा जाग जाने पर उन्होंने उसको सब्बल मारकर हत्या कारित किया है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने
विभाजन के तर्क को मानते हुए परिस्थितिजनक साक्ष्य का मामला था, संपूर्ण परिस्थिति की कड़ी हमने जोड़ा, जो कि घटना के बाद में 8 लाख रुपए जैसे एक अत्यधिक राशि की जो जब्ती है, जो सोसाइटी से चोरी की गई थी, वो जब्ती आरोपी के कब्जे से हुई है और उनके डिक्की में पाया गया है। उनके निशानदेही पर सब्बल की भी जब्ती हुई है। इस तरह अभियोजन के द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 460 में आजीवन कारावास से दंडित किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Barat Swagat, including welcome drink, snacks and sweets, a breathtakingly decorated welcome gate, and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire, and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. नमस्कार, मैं द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर की तरफ से जितेन देवांगन एम्ब्रियोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर में टेस्ट टू बेबी की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें पुरुष बांझपन महिला बांझपन दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे यहां अभी 28, 29, 30 जुलाई को शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें कि गरीब से गरीब वर्ग भी इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत से मेडिकल पॉलिसीज भी हैं, जिससे गरीब मरीज जो है वो इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी में किसी मरीज के शुक्राणु कम हैं या नील हैं, उनकी भी इलाज की जाती है। महिलाओं में जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, बच्चेदानी में गठान है, अंडेदानी में सिस्ट है, उनकी भी इलाज की जाती है। इन सब सारे चीज़ों को देखते हुए द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर 28, 29, 30 को यह शिविर लगाया गया है, जिसमें आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। इस टेस्ट टू बेबी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, अंडे को भी फ्रीज कर सकते हैं, शुक्राणु को भी फ्रीज कर सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए यह शिविर आप लोगों के लिए लगाया जा रहा है। द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर में और भी बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं आप, जैसे कि बांझपन से रिलेटेड लेप्रोस्कोपी की सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। इनके अलावा दूरबीन पद्धति से हर्निया, पित्त की थैली, बच्चेदानी निकालना, यह सारी सुविधाएं भी द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर में उपलब्ध हैं।
आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप 28 से 30 तारीख तक जो शिविर लग रहा है उसमें मरीज जो है आके इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जितेंद्र वांगा एम्ब्रियोलॉजिस्ट द सृजन भिलाई टेस्ट टू बेबी सेंटर से। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की डे के उपलक्ष में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। 25 तारीख 25 जुलाई जो है हम लोगों के लिए बहुत खास होता है। एम्ब्रियोलॉजी दिवस उस दिन मनाया जाता है। हम लोगों के लिए इसलिए खास होता है क्योंकि वह दिन हम लोग के लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है वो पुरुष बांझपन में काम करते हैं, जिनके शुक्राणु कम होते हैं, नील होते हैं, उनके लिए यह सब सारे प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं, जिसको एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं, उन्हीं को एम्ब्रियोलॉजी दिवस में ये सब सारे चीज़ें हम लोग मरीजों को सुविधाएं देते हैं। बहुत बार होता है कि लोग जो है शादी के 2-4 साल बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, उन लोग एक इनफर्टिलिटी सेंटर पे जाके कंसल्टेंट करते हैं गायनी डॉक्टर से। गायनी डॉक्टर के द्वारा जब बताया जाता है कि आप अपने शुक्राणु की जाँच कराइए, जब शुक्राणु की जाँच में कुछ कमी पाई जाती है फिर उनके जो भी प्रक्रिया की जाती है वो सब सारी चीज़ें एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट द्वारा की जाती है। उस एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल इतना महत्वपूर्ण है उस जगह पे, जैसे कि एक समझ लीजिए कि माँ जो है वो बच्चे को पैदा करती, उतना इम्पॉर्टेंट एक एम्ब्रियोलॉजी को भी दिया जाता है। इस एम्ब्रियोलॉजी दिवस पे मैं आप सभी को एक छोटा सा चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग जो एक महत्वपूर्ण जो काम करते हैं पुरुष बांझपन में, वो एक समझ लीजिए कि एक भगवान का वरदान ही है, क्योंकि हम लोग एक किसी के शुक्राणु नील होते हैं उसमें भी टेस्टिस से टिश्यू निकाल के शुक्राणु निकाल के हम लोग यह काम करते हैं। यह सब पुरुष बांझपन जो है, जो ज़्यादातर पुरुषों में स्मोकिंग, टोबैको, एल्कोहल के सेवन से ज़्यादा होता है। बहुत बार होता है कि मरीज आके बोलते हैं कि हम एल्कोहल भी नहीं लेते, टोबैको भी नहीं लेते, स्मोकिंग भी नहीं करते। तो आपको ये छोटी सी चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि आप एल्कोहल ले रहे हैं तभी हो, ये भी हो सकता है कि आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हों, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कहीं हीट वाले जगह में काम तो नहीं कर रहे हैं, कहीं बचपन में आपके गोले में चोट तो नहीं लगी है, पेनिस में चोट तो नहीं लगी है, इन सब सारे चीज़ों से भी पुरुष बांझपन हो सकता है। जो कि हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं कि यह सारी चीज़ें को रोकथाम कर पाए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाती, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो चुकी है कि रात में 2-2 बजे तक जगना, ठीक से खाना नहीं खाना, इन सारी वजह से भी पुरुष बांझपन के लक्षण आजकल दिख रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसीजर करते हैं लेकिन कुछ अपने को हासिल नहीं होती है। इसलिए हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी में ज़्यादातर ICSI, IMSI या प्रोसीजर प्रक्रिया करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को चीज़ें प्राप्त हो और भ्रूण अच्छे से बने, और भ्रूण अच्छे बनेंगे तो प्रेगनेंसी अच्छी आएगी। बहुत बार होता है कि बार बार गर्भपात भी होते हैं, उस कंडीशन में भी समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अगर अच्छे हैं तो गर्भपात क्यों हो रहा है, तो फिर हम लोग DNA फ्रेगमेंटेशन की भी प्रक्रिया की जाती है, जिसको हम लोग करते हैं। DNA में ऐसा है कि मतलब जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उनका टूटना कि अंदर से वो टूट जाता है, जिसको समझ में नहीं आता है, उनकी बनावटें ठीक नहीं होती है। जैसे हमारी शरीर की रचना होती है, हम बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता होता है, वैसे ही शुक्राणु में भी बाहर से देखने से कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसमें DNA फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेरिकोसील्स या ICSI के फेल होने पे, इन सारी चीज़ों के होने के बाद अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग DNA के टेस्ट करके उसको शुक्राणु को भी जाँच कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये एम्ब्रियोलॉजी डे जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग इस पुरुष बांझपन क्षेत्र पे हम लोग काम करते हैं। इसलिए यह मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हेल्दी डाइट और स्ट्रेसफुल लाइफ ना हो तो आपके पीछे ये चीज़ नहीं आने वाली। इसलिए आप चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से संजो के रखें कि पुरुष बांझपन आपको ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड 37 संत रविदास नगर चौरसिया होटल के पीछे से मां शीतला मंदिर तक की जर्जर सड़क अब तक नहीं बन सकी है। पूरी सड़क में गड्ढे हैं, जिसे लोगों ने ईंट पत्थर डालकर सड़क से गुजरते तथा दोपहिया चालक आए दिन वाहनों से अनियंत्रित होकर गिर रहे हैं। नगर निगम भिलाई के सभी वार्डों की सड़कों का डामरीकरण और सीमेंटीकरण कार्य किया जा रहा है।
अधिकतर स्थानों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिल रहा है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र का एक मार्ग ऐसा भी है जिसे वर्षों से उपेक्षित छोड़ दिया गया है। पूरी सड़क जर्जर होकर गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। नंदनी रोड चौरसिया होटल के पीछे से माँ शीतला मंदिर तक की सड़क का हाल बुरा हो चुका है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे होने की वजह से इसमें बिल्डिंग मटेरियल को लोगों द्वारा डाल दिया गया है। बरसात के मौसम में इस सड़क का हाल और भी बुरा हो जाता है। सड़क में पानी भरे होने और गड्ढे होने की वजह से लोग इसकी स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और दो पहिया चालक गड्ढों और बिल्डिंग मटेरियल में अनियंत्रित होकर आए दिन गिरते हैं। दो पहिया चालकों के गिरने की घटनाएं यहां रोजाना देखने को मिलती हैं। बावजूद सड़क का निर्माण करने की बजाय इसे उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ना तो जर्जर सड़क का डामरीकरण किया गया और ना ही सीमेंटीकरण। सड़क के बीचों बीच 3 सीवरेज चेंबर बना दिए गए हैं। चेंबर को ठीक से नहीं ढका गया है। इसका सीमेंट का ढक्कन लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। सड़क से लगकर एक नाला गुजरता है। बरसात होने पर नाले में पानी भर जाने से उसका गंदा पानी सड़क तक पहुंचता है। इसी तरह शीतला मंदिर के पास जल जमाव बना रहता है। हल्की सी बरसात में ही शीतला मंदिर के समीप पानी भर जाने से यहां से गुजर रहे लोगों को खासा परेशान होना पड़ता है। इस संबंध में स्थानीय रहवासी इमाम शेख और अन्य लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये सड़क काफ़ी समय से जर्जर है, जिसकी सूचना हमने अपने स्थानीय पार्षद मुन्नान खान को दिया था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं दिया उन्होंने। और ये बारिश में पानी भर जाता है, नहर का पानी पूरा ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से काफ़ी परेशानी होती है। लोग घर का अपना मलबा ला के फेंक रहे हैं इस पर। रात में कम से कम 10 लोग डेली गिरते हैं। इसका प्रशासन ने अभी तक कोई भी जिम्मेदारी नहीं लिया है। पूरे एरिए का रोड बना, बस यही एक रोड नहीं बन पाया। कम से कम लमसम 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम में इसलिए नहीं गए क्योंकि स्थानीय पार्षद बोले कि हम इसको करवा देंगे, जितना जल्दी हो सके हम इसको करवाएंगे और बारिश आने से पहले हम इसको बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने आज तक कभी आकर देखा भी नहीं। और इस रोड से कई बार खुद गुजरते हैं लेकिन वो कभी रोड को बनाने के प्रयास भी नहीं किए। वो क्या है, छोटे छोटे बच्चे उच्चे आना जाना लगा रहता है, काफ़ी समय से यहाँ से लगा हुआ है और बीच में चैम्बर डाल दिए हैं। थोड़ा सा इधर आके देखेंगे तो आगे चैम्बर बना हुआ है, वहाँ पर गाड़ी हमेशा फंसते उठते रहती, गिरते उठते रहते हैं। इसी रास्ते से आना जाना उनका भी लगा हुआ, कई बार उनको भी बोला जाए कि रोड को थोड़ा नवीनीकरण के लिए थोड़ा बोला जाए, तो भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। अभी देखा जाए तो नगर निगम से हर जगह के वार्डों में नवनीकरण का सीमेंटीकरण हो रहा। कम से कम सीमेंटीकरण हो जाता तो थोड़ा ठीक हो जाता। चलो रोड नहीं बन रहा, ठीक है, समझ आता है। और आगे चल के देखिए, थोड़ा उधर जाएंगे, थोड़ा आगे में चौरसे होटल के पास लगा हुआ, बीच में चैम्बर डाल दिए, वहाँ पे गाड़ी फंसने से का खासी एकदम हो रहा है। बहुत कचरा आता है, पूरा बीमार पड़ रहा है बच्चा, पूरा कचरा बोलने से गाली देता है। कचरा का एक डब्बा भी रख सकता है कि नहीं? ये नहीं कि एक डब्बा रख देगा, उसमें डाल के सुबह आके ले जाएगा। पानी भरते गए, पूरा पानी भर जा रहा बेटा, वो तो पानी घर घर में भर जा रहा है, पूरा भर के अंदर अंदर घुस जा रहा है। क्या करेंगे बेटा, किसको बोलेंगे? ये नाली भी भर जाता, पूरा पानी भरा जाता है। शीतला मंदिर, शीतला कॉम्प्लेक्स, यहाँ कई सालों से, कई वर्ष से यहाँ पानी भर रहा है। ये शीतला मंदिर जो दिख रहे हैं, ये सामने जितने ये मंदिर दिख रहे हैं, ये पूरे मंदिरों के अंदर पानी जाता है। मैंने मन्नान को भी बोला है और गफ्फार भैया को भी बोला है, और ये रिंकू उनका जो भतीजा है, ये मतलब ये जो काम लिया था टेंडर, उसने वो काम लिया था, उसको मैंने बोला भी था, भाई यहाँ पानी भर रहा है मंदिर में, मंदिरों के अंदर पानी जा रहा है। मैं उनको हमेशा समस्या का हल बोला हूँ। बोले पंडित जी कराता हूँ, बजट में पास होगा। अभी तक पास होते गए, काम करते गए, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। जहाँ काम कराना है, जहाँ काम हो रहा है, जहाँ मतलब काम कराना है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। जितने यहाँ पानी भर रहा है तो यहाँ काम कराना चाहिए। जहाँ काम हो गया, आप चले जाइए मिलन चौक, वहाँ रोड बना है। इस रोड में आप चले जाइए, पूरी रोड गड्ढा है, पूरा रोड गड्ढा है, पानी पूरे मंदिर के अंदर चले जाता है, भर जाता है। मैंने मन्नान को कितने बार रोक के बोला, मन्नान आया था तो बोला पंडित जी हमको एक बार जिताइए, हमने पूरा काम करेंगे करके, हमने यह वादा करके गया। और आज तक मन्नान ये दोबारा यहाँ मुड़ करके आके और देखा नहीं यहाँ कि पानी भर रहा है मंदिरों में। इनको बोला भी, और ये दुकान में दुकानदार के खड़े हैं, इनके अंदर तक पानी जाता है। हमने चाहते हैं कि काम हो जाए, हम यही चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि आके यहाँ का
मंदिर के पास का देखिए पानी भर रहा है, हमने बोले भी, आप वीडियो भी हमारे पास है, जब बोलेंगे तब हम आपको वीडियो देंगे, और पानी भर रहा है मंदिर में। ये पूरे बहरहाल चौरसिया होटल के पीछे से शीतला मंदिर तक पहुंचती इस जर्जर सड़क के निर्माण कार्य को क्यों उपेक्षित छोड़ दिया गया, यह लोगों की समझ से परे है। नगर निगम क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों की जर्जर सड़क का कार्य या तो पूर्ण हो चुका है या अपने अंतिम चरण में है। इस सड़क को वर्षों से उपेक्षित छोड़ दिया गया है, जबकि यह लोगों के गुजरने का प्रमुख मार्ग है। नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर पुष्पक नगर में बरसात के दिनों में व्यवस्था पूरी तरह से बदतर हो जाती है। सभी स्थानों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित होती है। वार्ड पार्षद ने व्यवस्था को बेहतर बनाने निगम अधिकारियों को अनेकों बार पत्र लिखा, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो सका। बरसात के दिनों में नगर निगम के वार्ड क्रमांक 2 स्मृति नगर पुष्पक नगर के रहवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति निर्मित होती है और अनेकों स्थानों पर पानी भरा रहता है, जिससे पैदल आना जाना कर रहे लोगों के साथ साथ दो पहिया वाहन चालकों को भी खासा परेशान होना पड़ता है। कुछ स्थानों पर लोगों के खाली प्लाटों में पानी भर जाने से यहाँ मच्छरों के लार्वा पनप रहे हैं, जिससे मच्छर जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी बना हुआ है। स्मृति नगर पुष्पक नगर की प्रमुख समस्या जल जमाव की है। इसके लिए स्थानीय पार्षद मुकेश अग्रवाल द्वारा नगर निगम आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बदहाल व्यवस्था में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। यहाँ सीवरेज का पानी भी एक स्थान में एकत्र होता है, जिसकी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। समस्याओं से निजात दिलाने को लेकर वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा नगर निगम के जोन एक कार्यालय में धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसके बाद निगम अधिकारियों द्वारा व्यवस्था में सुधार करने की बातें कही गईं। सुधार नहीं होने की स्थिति में एक हफ्ते के उपरांत भाजपा नेताओं और स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल और स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या कुछ इस तरह से बताई। मेरे कार्यकाल के प्रारंभ से ही कुछ गंभीर समस्याओं को लेकर मैं लगातार नगर निगम को अवगत करा रहा हूँ। उसमें से एक गंभीर समस्या ये है कि पुष्पक नगर के शुरुआत से एक नहर हुआ करती थी, जो नगर पालिक निगम भिलाई और नगर पालिक निगम दूर के बीच की एक नहर हुआ करती थी, जो दोनों को बंटवारा करती थी। वो नहर की नहर पे बसाहट बस गई है, अवैध कब्जा कर लिया गया है। इस कारण से यहाँ पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। मेरे कार्यकाल के प्रारंभ 22 फरवरी 2022 को मैंने लेटर आयुक्त महोदय को समय लगा दिया था कि यहाँ इस तरीके से दिक्कत हो रही, पूरी फोटो खींच के उनके साथ लगाई थी, और उसके बाद से लगातार मेरे द्वारा इस पर शिकायत की जा रही है। यहाँ पर इससे पहले जोन कमिश्नर भी आए, उन्होंने भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन किसी की यहाँ कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं दिख रही है। मैं इस चीज़ को लगातार इस विषय पर आवाज़ उठाता रहा हूँ। जब मैंने इस बात को कलेक्टर जी के माध्यम से जन चौपाल में लगाया, तो मुझे तांदुला जल संसाधन विभाग से 24 अप्रैल 2023 को एक लेटर आता है कि इस ये जो नहर है इसका हम सीमांकन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ अवैध कब्जा हुआ, क्या हुआ है। आज 22 अप्रैल की जगह आज 22 जुलाई हो गई, लगभग 3 महीना आज तक किसी ने इसका सीमांकन करने का कोशिश नहीं किया। आप पीछे साइड देखिए, ये स्थिति यहाँ 12 महीना रहती है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये पूरे कॉलोनी से निकलने वाला पानी है। चौहान रिसोर्ट का पूरा किचन का जो गंदा पानी आता है वो है, वो यहाँ भरे रहता है। इसके कारण यहाँ के लोगों के घर धस रहे, नीचे आसपास पूरी बीमारियाँ हो रही है। ये आप देखेंगे मेरे बगल में एक घर है, ये हमारे रिटायर्ड फौजी रमेश गुप्ता जी, अभी कुछ दिन पहले ये पानी के इन्फेक्शन के कारण एडमिट हुए थे रायपुर के किसी निजी हॉस्पिटल में। आज उनसे पूछिए कि इनकी क्या स्थिति है, लेकिन नगर निगम के कान में किसी प्रकार की उजू नहीं रेंग रही है। वो बहरा गुंगा होकर बैठ गया है। इतनी दयनीय स्थिति होने के बाद भी इनको किसी प्रकार का कोई इच्छा शक्ति नहीं काम करने का। हमारा पुष्पक नगर निवासियों का सिर्फ इतना ही रिक्वायरमेंट है आज की स्थिति में कि ये जो ड्रेनेज पूरा चोक हो गया है, इसके नीचे पाइप पड़ा हुआ है और पाइप नहर में पाइप डाल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे जो पानी बह रहा था वो पहले तो ओपन फ्लो में बह रहा था,
अब पाइप में से बह रहा है, पाइप में आ रहा है कचरा और कचरा से पाइप जाम हो गया है। पाइप की लंबाई 100 मीटर के करीब है। अब पाइप अंदर से साफ नहीं किया जा सकता, जिसके कारण पूरा पुष्पक नगर का पानी जो है वो यहाँ आके चोक हो जा रहा है। चोक होने की वजह से जितने भी आगे घर हैं पूरी नालियाँ और बह रही हैं। पिछले कम से कम 15-20 दिनों से जितना भारी बरसात हुआ है, उस जैसे ही पानी गिरना चालू होता है पूरी नालियाँ ओवरफ्लो हो जाती हैं। सिर्फ हमारे ही 3-4 घरों की नहीं, पूरे वो पेट्रोल पंप से स्टार्ट से लेकर जैसे ही आप पुष्पक नगर के अंदर घुसते हैं वहाँ से जो नाली बहती है, आप उसका फ्लो देखेंगे तो सब नालियाँ ओवरफ्लो बह रही हैं। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये ड्रेनेज निकलने के लिए जगह नहीं है। तो हमारा रिक्वायरमेंट आज की डेट में सिर्फ इतना ही है कि जो है इस पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था कर दी जाए। बस हमारे मकान का चारों तरफ आपका पानी है, खाली जमीन है, कोई कुछ बना नहीं रहा है, हमको साफ करना पड़ रहा है। अभी बाजू वाला प्लॉट जो घेर के रखा है उसको अभी 6 महीना पहले 4,000 रुपया देके साफ कराया, 6 महीना नहीं हुआ अभी फिर पूरा भर गया, पूरा तालाब बन गया। इधर जो मकान बना है सामने उनका भी निकासी का कोई ये नहीं है, पूरा इधर आ रहा है, इधर से मेरा तरफ आ रहा है, पूरा जम रहा है। मेरा जो नाली था पहले निगम ने बनाया था वो स्लोप गलत था, मेरा तरफ आगा से मेरा तरफ, जबकि ओपनिंग उधर है। मैं बोलने के बावजूद भी वो ठीक नहीं किया। पुष्पक नगर निवासियों को ये पानी निकासी का बड़ा प्रॉब्लम है। पुष्पक नगर की पूरा जो पानी है वो हम लोग के घर के सामने आके जमा हो जाता है। ये 12 महीने का प्रॉब्लम, बारिश के टाइम में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो बगल में एक होटल है जहाँ का फूड वेस्ट जो है वो भी गिरता है, जिसकी वजह से नाला बंद हो जाता है। अब नाले के ऊपर बगल में प्लॉटिंग वाले लोगों ने नगर निगम के नाले के ऊपर सीमेंट के पाइप लगा के मिट्टी से ढक दिया। अब वो 100 मीटर लंबा सीमेंट का पाइप है जो आए दिन ब्लॉक रहता है, और 100 मीटर पाइप तो हम कोई भी साफ नहीं कर सकते। पार्षद तो जब से उनका कार्यकाल चालू हुआ है तब से वो लगे हुए इसके पीछे। उन्होंने कमिश्नर को लाया, मेयर साहब को लाया, बट इसका कोई निवारण होते नहीं दिख रहा। वो अपने तरफ से पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उनके भी अधिकार क्षेत्र है। तो अब ये पिछले बार रविवार को कमिश्नर साहब को लेके आए थे, हम लोग सब थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसका जो पुराना नहर है उसको भी खुलवाएंगे, और जो अभी जो तत्काल जो नहर जो नाला है उसको भी मतलब तत्काल के लिए उसको वो करेंगे, आनंद नगर तक जोड़ेंगे, ऐसा बात हुआ था। बहरहाल नगर निगम प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण वार्ड 2 के रहवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने और पानी निकासी की व्यवस्था को लेकर निगम प्रशासन को तत्काल पहल किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम मुख्यालय सहित निगम के जॉन कार्यालय, बैंकों और पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। निगम मुख्यालय में इसके लिए 4 सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं रोजाना 90 लोगों को आधार अपडेशन के लिए टोकन प्रदान किए जा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय भिलाई में आधार कार्ड अपडेशन को लेकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं। लोगों की सुविधाओं के मद्देनजर आधार कार्ड अपडेशन को लेकर 4 सिस्टम लगाए गए हैं। वहीं आधार अपडेशन को लेकर 90 टोकन प्रतिदिन लोगों को दिए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यों में आधार कार्ड की अनिवार्यता के मद्देनजर अपडेशन का कार्य किया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार ऐसे लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं जिन्हें आधार कार्ड बनाए 10 वर्ष बीत चुका है। इसी तरह नगर निगम के जोन कार्यालय में भी प्रतिदिन 30 से 35 की संख्या में आधार कार्ड अपडेशन के लिए लोगों को टोकन प्रदान किए जा रहे हैं। कुछ बैंकों और पोस्ट ऑफिस में भी आधार कार्ड अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। आधार कार्ड अपडेशन के कर्मचारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भीड़ को देखते हुए यहाँ पर टोकन की व्यवस्था की गई है, मेन निगम के साथ साथ सारे जोन में भी व्यवस्था की गई है, उसके अलावा कुछ एरियो में शिविर भी लगाए जा रहे हैं। हमारे निगम कार्यालय में पड़े यहाँ पे टोकन बांटे जाते हैं, जोन में 30 टोकन प्रत्येक जोन में है, जोन में सिस्टम लगा दिए गए व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए। कोई अंतिम तिथि नहीं है, वो राशन कार्ड वगैरह को लेकर लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं, उस कारण से जल्दी आ रहे हैं, बाकी ऐसा कोई तिथि नहीं है। मेन ऑफिस में 90 टोकन है, बाकी जोन कार्यालय में 30 टोकन।
गौरतलब है कि राशन कार्ड बनाने सहित अन्य दस्तावेजों में आधार कार्ड की अनिवार्यता के मद्देनजर सभी को असुविधा से बचाने आधार कार्ड अपडेट कराया जाना आवश्यक है। केवल ऐसे लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं जिन्हें अपना कार्ड बनाए 10 वर्ष बीत चुका है। आधार कार्ड अपडेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से ही निगम मुख्यालय में लोगों की भीड़ लगने लगती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन खेमराज निषाद के साथ संजय दुबे। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर निर्वस्त्र प्रदर्शन करने वाले युवाओं को गिरफ्तार किया गया, जिनकी रिहाई की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिन से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर व इनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर पिछले दिनों राजधानी रायपुर में युवाओं ने निवस्त्र होकर प्रदर्शन किया, लेकिन निवस्त्र प्रदर्शन कर रहे युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर गिरफ्तार युवाओं को बिना कोई धारा लगाए रिहा किए जाने की मांग की गई है। वह फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे युवाओं को बर्खास्त करने की मांग की गई, साथ ही मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर नाराजगी जताई गई। आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है, मैं इस धरना प्रदर्शन का समर्थन करता हूं, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी समन्वयक होने के नाते आज लगातार आप देख रहे हैं देशों में जिस प्रकार से हमारे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी वर्ग के साथ जितने अत्याचार हो रही हैं, अभी वर्तमान आप देख रहे हैं लगातार जो है ना टीवी में मणिपुर की एक बहुत ही निंदनीय घटना, जो हमारे आदिवासी हमारे बहु बेटी के ऊपर जो निवस्त्र की करके उनके साथ जो घोर घटना जो को अंजाम दिए हैं, सरकार देश की सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है उनको तो समय ही नहीं है, और यहाँ तक के हमारे मणिपुर की सरकार के भी सोया हुआ है। ऐसे सरकार को जो है हटाना चाहिए, और हमारे राष्ट्रपति महोदया जो है एक कठपुतली बनकर जो है ना खामोशी है, क्योंकि वो आदिवासी समाज को बिलोंग करती है, उसके बावजूद भी जो ना इतना घोर निंदनी जितना भी हम करेंगे उतना जो है ना हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और आज जिन मुद्दे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारियों के ऊपर कार्रवाई की जो मांग की जा रही है, उस मांगों का भी हम समर्थन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 18 जुलाई को मानसून का सत्र शुरू हुआ और अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं ने निर्वस्त्र प्रदर्शन करने का काम किया। आप लोगों को विषय भी मालूम है कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब से SC ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जनरल कैटेगरी के लोगों ने नौकरी का लाभ उठाया, और आज भी वही होते आ रहा था। सन 2000 में ये बात सामने आई और वो प्रकरण जो है पूरी तरह से साबित भी हुआ, लेकिन भूपेश सरकार ने आश्वस्त किया, बार बार आश्वस्त किया कि हम जो है उनको उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, लेकिन आज पूरे के पूरे 3 साल पूरे हो चुके हैं। बावजूद इसके सरकार उन दोषी फर्जी प्रमाण पत्रधारी जो कर्मचारी अधिकारी नौकरी कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के लोग, तो उनके ऊपर में कार्यवाही करने की बजाय उन्होंने उन लोगों पर कार्यवाही किया है जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये शर्मसार करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के लिए घटना है कि आखिर निर्वस्त्र प्रदर्शन करने को युवा क्यों मजबूर हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो युवा निर्वस्त्र प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं, उन्हें पता है कि ये वीडियो हमारे घर में हमारी माताएं बहनें बेटियां देख सकती हैं, लेकिन उनका साहस देखिए। सरकार ने उन्हें हर बार अनदेखा किया। इसके पहले आमरण अनशन किया गया, उसके पहले भी कई मांगों को लेकर के जो है अनुशासित तरीके से मांग किया गया। अभी हमारी ये मांग है कि जिन 29 युवाओं के खिलाफ में गैर जमानती धारा लगा करके सरकार ने अरेस्ट करवाया है, उन्हें निःशर्त जो है रिहा किया जाए, और जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी कर रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। ग्रैंड न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।